अस्ताभ्यामात्मवन्दनं मस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानस जन्त पूर्वे साध्यासन्तिवाः ॐ राजाधिराजाय नमो वयं वै समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमहेन्द्रवर्यात् ईस्या सार्वभौम सार्वायुषान्तादापरादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणितदपेषड्लोको विगीतो मरुतः परिवेतारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवास्य वासतेति ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहाण परमे प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि घोरकष्टः भारकष्टलो निजहितासिमि व्यर्थगुन्तलो वारि शीघ्रया संसारयातना हे दयानिधे नहीं उनका बच्चे का नहीं जी सर थोड़ा ऐसा ही सर गणपति अब थोड़ा ऐसा ये पेनिंग करेंगे भाई का फ्रेम मेरे जितेंद्र सर लुक सर सबसे पहले तो गणपति बप्पा बोलिया एंड हर साल हम देखते हैं कि ये फेस्टिवल के मौके पर पूरी फैमिली जो है आप रहते हैं आरती भी है सो क्या कुछ फील करते हैं आप आज के इस दिन क्या कहना चाहेंगे आज के शाम आज के दिन के बारे में हमारे फैमिली मेंबर की तरह है गणेश जी और हर साल हम इंतज़ार करते हैं और जब ऐसा लगता है कि अरे यार गणेश उत्सव आ गया तो बहुत अच्छा लगता है कि पप्पा जल्दी आ गए घर वापस और एक अच्छा अलग ही सुकून सा महसूस होता है और एक पॉजिटिविटी आ जाती है एक रोशनी आ जाती है घर में एक एक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तौर पर मतलब बहुत अच्छा लगता है
अच्छा लग रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया था, मतलब नेचुरली ही डैड ने बोला कि अभी दो तीन साल, आई थिंक 2015 या 16 से उन्होंने कहा कि अभी आप करो, तो नेचुरली ही मतलब मैंने शुरू कर दिया। और वैसे भी मतलब हमेशा रहता था हमें, मतलब पूजा में मॉर्निंग इवनिंग आई वाज ऑलवेज अटेंडिंग, तो ऐसा कुछ अलग नहीं लगता, बट इट फील्स मोर अकम्प्लिश्ड, यू नो, लाइक एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है जब आप खुद करते हैं घर की पूजा। और अब हमारे लिए मतलब इट्स बिकम इट्स अ रिचुअल, इट्स अ ट्रेडिशन, तो इट्स नॉट रिलीजन, इट्स पार्ट ऑफ आस, इट्स पार्ट ऑफ आर फैमिली एंड हमारे मतलब का हमारा जो मतलब हमारे जो रीति रिवाज है सालों से चले आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी वो हमारे हमारा एक हिस्सा बन गया है, यू नो, ये त्यौहार। अच्छा लग रहा है, मतलब फैमिली और बड़ी हो गई है, और रवि को तो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ही इज़ ओनली 6-7 months, लेकिन आई थिंक अगले साल वो भी इंजॉय करने लगेगा, क्योंकि लक्ष्य के लिए तो मतलब एक बर्थडे पार्टी की तरह, बोलते हैं गणेश जी का बर्थडे है, तो इसलिए वो एक्साइटेड होकर नीचे आते हैं, क्योंकि हम उसे बोलते हैं कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो आते हैं आज के दिन जो है पूरी फैमिली मेंबर सब घर के साथ में रहते हैं, एक पूजा की, और क्या क्या करने वाले आप हैं, एकता मैडम हैं, डैडी हैं, हर कोई है, और क्या क्या करने वाले आज के दिन आप? आज के दिन तो मैं आई बी विद माई सन ओनली, आई बी विद द फैमिली ओनली, कल मेरी शूट है वापस, तो आई विल एंजॉय टुडे एज अ हॉलीडे एंड देन टुमारो आई विल बैक टू वर्क। या ओके, तो शायद इस बार क्या स्पेशल हो रहा है, कुछ ऐसा स्पेशल किया हर साल, कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, इस बार कुछ स्पेशल या कुछ डेकोरेशन के बारे में कुछ बताना चाहिए? कोई स्पेशल नहीं है, हर साल की तरह हम लोग मतलब इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाते हैं, जो पानी में डिजॉल्व हो, साइज नहीं बढ़ा रहे हम लोग, क्योंकि वो भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्ट्रेस देती है, अगर बड़े बड़े गणपति होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, और 5 दिन तक रखते हैं, तो नथिंग न्यू, इट्स अ सेम ट्रेडिशन, 5 days की गणपति, और मेहमान आते हैं हमारे घर जिनको दर्शन चाहिए, और लास्ट डे हम एक लंच रखते हैं विसर्जन के पहले, अगर मैं शूट पे नहीं रहता हूँ तो मैं जाता हूँ विसर्जन के लिए, वरना डैड जाते हैं, सो वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ वेल्थ, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीबडी, इंक्लूडिंग द कंट्री, फॉर द इकोनॉमी। Yes, economically also we need health and wealth and happiness. So that's my only wish. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Sir, आज का ये दिन हम देखते हैं कि हर साल जब पूरी फैमिली एकजुट होती है एंड गणपति जी का आगमन होता है, आरती हमने देखा, ये आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं इस दिन का? आपको एक बात बताऊं, जब से मैं आंखें खोली हैं, पहले 2-3 साल तो मालूम नहीं पड़ा होगा मुझे क्या है, 4-5 साल की उम्र से मेरे घर पे, मतलब जहाँ मैं पहले रहता था रामचंद्र बिल्डिंग में, मेरी चाल में, वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का, वो 11 दिन 4 साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक, वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे, वो ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था हम, और चाल में तो सब दिखता है ना अंदर क्या है, सब खुला ही होता है, हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद शक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का, तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज़ करते थे, और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े, तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना, ये इसका नशा ही अलग है, ये यादें मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही जाएंगी। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया कुलाबा चला गया रहने को, बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, कुलाबा गया तो तब भी मेरी पहली पूजा जो पहली आरती होती है गिरगाम की, वो मैं ही करता हूँ, मेरी फैमिली करती थी, फिर हम लोग जाते सब जाते थे पहले, आस्ते आस्ते माय फादर डाइड, माय मदर डाइड, माय ब्रदर स्टॉप गोइंग, माय वाइफ स्टॉप गोइंग, पर आज भी हर आरती के दिन मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं रामचंद्र बिल्डिंग की पहली आरती करने के लिए पहुँच जाता हूँ, अभी यहाँ से मैं वहीं जाने वाला हूँ, वो मेरे पुराने यार दोस्तों में से 80% चले गए, दे आर नो मोर, 80-85%
सब नए लोग हैं, वो भी उतना ही प्यार और सम्मान से बुलाते हैं और मैं उतनी श्रद्धा और प्यार से जाता हूँ जितना आखिरी दम तक। जब तक मैं स्ट्रेचर पे भी जाना पड़े तो मैं स्ट्रेचर पे भी जाके मेरे एंड तक मैं जाके वहाँ पूजा करूँगा, ये मेरी तमन्ना है। और जब सांस नहीं रहेगी तो नेचुरली उसको याद करते हुए चले जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, तो आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए ये गणपति महोत्सव कितना इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें जो मैंने मेरी बिल्डिंग में देखा, जो बाद में तो मैं फ्लैट में रहने चला गया दूसरी जगह, बिल्डिंग में जो एकता होती थी, वो इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, फिर खर्चा करना, जो उस ज़माने में मैंने लोगों में इनोसेंस जिसे कहते हैं हाई मॉरेलिटी, मैं पंजाबी हूँ बाई बर्थ, मेरी पैदाइश अमृतसर की है, बट मैं मेरी माँ एक महीने की थी था मैं जब मुझे बॉम्बे लेके आए, मेरे रग रग में सब महाराष्ट्रन कल्चर है और उस ज़माने का महाराष्ट्रन कल्चर मुझे याद है, इतना मॉरेलिटी में हाई था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना डाउन टू अर्थ, और थोड़ी सी चीज़ में भयंकर आनंद लेना, ये वो 11 दिन के जो गणपति होते थे उसमें मालूम पड़ता था। तब सब लोग इकट्ठे होते थे, नहीं तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे, तो वो 11 दिन में एक ये गणपति उत्सव का जो रियल मीनिंग था कि एक साथ एकजुट होकर मिलकर किसी भी कार्यक्रम को अंजाम देना, जैसे गणपति का 11 दिन के कार्यक्रम होते थे, उसका लेके आना, उसका विसर्जन करना, सब एक मत होके इतने प्यार से करते थे, ऐसी यूनिटी, ऐसी बॉन्डनेस मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने मेरे पहले 19 साल में देखी। और सर अब हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो जिम्मेदारी थी, अब आपके बेटे बेटियां जो है आगे बढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर साल ये देखिए ये तो शायद मुझे देख के स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, पर आगे बढ़ाना तो ये उनके अंदर ही होगा ना, ये उनके अंदर की इच्छा है। मेरी बेटी तो बहुत रिलीजियस है, तुषार भी बहुत रिलीजियस है, अभी उसके बच्चे भी, दोनों के बच्चे आए हैं, अभी वो आगे लेके जाएंगे, ऐसे ही है सिलसिला, हम जाएंगे वो आएंगे और आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बट इसका एक अच्छा आनंद है, एक स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू स्ट्रेंथ, उसके अंदर की ताकत है, ये ऐसा नहीं कि आपको तो कोई इंजेक्शन लग रहा है, और एक आपको माइंड में एक फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू इट इसकी दया से। और इन दिनों हम सर देख रहे हैं कि विज्ञान जो है बहुत ही अवेयरनेस हो गया, लोग इको फ्रेंडली बप्पा की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बप्पा की बात करने लगे लोग, नहीं वो देखिए इको फ्रेंडली बप्पा जी, उस जमाने मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो गणपति भी कम थे, तो पॉल्यूशन वॉज नॉट मच ऑफ ए इश्यू, गाड़ियाँ कम थी, सब कुछ कम था, वातावरण बहुत अच्छा था। अब इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अभी हमको भी चेंज करना चाहिए, बापा की श्रद्धा अंदर रखनी चाहिए, बापा का फिजिकल इमेज तो एक इमेजिनेशन ही है, ये हमारी हम उसको चाहे कागज़ में रखें, फोटो में देखें, या सैंड में बना के देखे, अभी आप देखेंगे समुंदर के किनारे किसी ने गणपति का वो कार्विंग करता है, कोई उसके ऊपर जाए, ऊपर से कभी नहीं जाएगा, दैट इज़ नॉट दिस, सैंड तो वही है बट फीलिंग चेंज हो जाती है, फीलिंग फॉर गणपति है, इसलिए हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, अपने एटमोसफेयर को क्लीन रखना बहुत 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 ज़रूरी है। सर जाते जाते आज का दिन अपने पूजा की आरती की और क्या क्या करते हैं आज के दिन, पूरी फैमिली मेंबर है यहाँ पर हम देख रहे हैं सब, नहीं पूजा तो ये 5 दिन का गणपति रखते हैं, सुबह शाम पूजा होती है, पहला दिन मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ और मैं हर मंगलवार को सिद्धिविनायक जाता हूँ, ये मैं शुरू से ही मंगलवार कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, एक बार तो पता नहीं क्यों
लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो बुलाता है। तो ये बुलावा होता है अपनी तरफ से। तो कितने काम आते हैं, निकल आते हैं, कोशिश ऐसा लगता है कि आज जा नहीं पाऊँगा, फिर भी कैसे भी पहुँच जाता हूँ। तो ये आपके अंदर की श्रद्धा बीच पुल्स यू। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नाइस। अरे सर एक फोटो करते।